दोस्तों, हमारी हैंडराइटिंग उसी तरह कार्य करती है जैसे सोने पर सुहागा। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट सही भी हो और हमारी हैंडराइटिंग सही ना हो तो कॉपी चेकर का सारा मूड ख़राब हो जाता और हमने जो सही लिखा है पर हमारे नंबर अच्छे नहीं आते, तो ऐसा सब हमारी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, और एक रिसर्च के बाद पाया गया है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उन लोगों का दिमाग काफ़ी तेज होता है और शांत होता है, या कहें कि काफ़ी समझदार भी होते हैं। तो आपकी भी हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, और हाँ, चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, हैंड राइटिंग सही करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीके बताएंगे वो वाकई जेन्युइन होंगे, जिन्हें समझकर और फॉलो करके आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले हमने कई टीचर्स और कॉपी चेकर से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी हम किसी भी बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो उसकी हैंडराइटिंग का मुख्य रोल होता है, जिससे कि कॉपी में क्या लिखा है सही तरीके से लिखा है तो उसके नंबर अच्छे ही आएंगे। और हाँ, ये भी बताया कि कॉपी का पहला पेज काफ़ी ख़ास होता है। और कुछ टीचर्स ने ये भी बताया कि अगर कॉपी में हैंडराइटिंग सही नहीं होती है तो कुछ टीचर्स को ये लगता है कि शायद इस बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए इसकी हैंडराइटिंग सही नहीं है। और अगर हैंडराइटिंग सही होती है तो कॉपी चेकर का पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और कुछ गलतियों को इग्नोर भी कर देते हैं, इसीलिए उन बच्चों को मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो अगर आपकी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, दिक्कत की बात नहीं, और हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी हैंडराइटिंग का सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको 5 टिप्स बताएंगे। टिप्स नंबर 5, सबसे पहले हमें लिखते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप लिखते हैं तो एक सही पोजीशन से बैठकर लिखें, जिसमें हमारी हैंडराइटिंग पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए जब आप लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर लिखें। टिप्स नंबर 4, दोस्तों भले ही आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो या फिर राइट हैंड से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि लेफ्ट हैंड वालों की राइटिंग राइट हैंड वालों से अच्छी आती है, लेकिन आप दोनों में से कोई से भी हैंड से लिखते हो उसी से डेली प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो करके अपनी हैंड राइटिंग का सुधार कर सकते हैं। पहले आप धीरे धीरे लिखें, लेकिन अच्छी लिखें, फिर आप स्पीड को तेज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, और आप जब भी लिखते हैं तब पेन को ज़्यादा कसकर पकड़कर लिखते हैं तो इससे दो नुकसान हैं। पहला ये कि हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है, और दूसरा ये कि हम जो भी लिखते हैं वो नीचे के पेज में दूसरे पेज में दिखने लगता है। तो इससे आप क्या समझे, जब भी आप लिखें तो पेन को ज़्यादा कसकर ना पकड़ें और बड़ी आसानी से पकड़कर लिखना। और हाँ, अब जो भी आपको टिप्स बताने वाला हूँ वो और ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। टिप्स नंबर 2, आपको समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मकान में 2 पार्किंग है और दोनों ही पार्किंग की साइज़ 1 है, और उन पार्किंग में गाड़ियाँ भी हैं, जिसमें एक पार्किंग में अच्छी तरीके से वन बाई वन गाड़ी रखी हुई हैं और वहीं दूसरी पार्किंग में किसी भी तरीके से गाड़ी रखी हुई हैं। आप खुद सोचो दोनों पार्किंग में से कौन सी पार्किंग अच्छी लगेगी, तो आपको भी वही पार्किंग अच्छी लगेगी जिसमें सही तरीके से वन बाई वन गाड़ी खड़ी हैं। तो इसी तरह हमारी हैंडराइटिंग को भी होता है, जब हम लिखते समय शब्दों के एक सा साइज और एक सा गैप नहीं रखते तो हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें को शब्द को बीच में एक सा गैप रखना है। और टिप्स नंबर 1, आपने कई लोगों को देखा होगा जो मोटी चलाने वाली पेन से लिखते हैं और कई लोग पतली चलने वाली पेन से लिखते हैं, तो आप किस तरीके से पेन से लिखते हैं हमें कमेंट में बताएं। दोनों से लिखकर देखो, जब जिस पेन से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगे
तो आप उसी पेन का यूज़ करने लगे और आपको हम बता दें कि आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा यूज़फुल लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।